What's up, viewers? This is Vaibhav Dave. Hello, everyone. This is Ashish Shetty. And we both are the new co-hosts of Filmic Fanatics. यार तुझे वो रेगुलर वाला फील नहीं आ रहा है। आई नो सिंस अब्बास इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, ही विल बी राइट बैक अगेन इन फ्यू कपल ऑफ डेज, बट टिल देन वी बोथ आर गोइंग टू रिव्यू द अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज फॉर यू ऑल। सो वी आर हियर एट मुक्ताज ए टू सिनेमास वेयर मूवीज कम टू लाइफ। रिमेंबर हैप्पीनेस इज जस्ट अ क्लिक अवे फॉर द फर्स्ट शो ऑफ जी मैं दम है तो पी कॉफी विद डी। सुनील ग्रोवर ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है, अंजना सुकानी और दीपांगिता शर्मा ने ग्लैमर पोर्शन भी ऐड किया है, बट सबसे अच्छी इस मूवी में किसी की एक्टिंग रही है तो है डी की, या जाकिर हुसैन ने सबसे अच्छी एक्टिंग प्ले की है और अब तक का सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी डॉन का प्ले कर दिया गया। बट इस मूवी के टेक्निकल इशूज के बारे में क्या लग रहा है? टेक्निकल इशूज मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, जोक्स तो बहुत मतलब रेयर थे, बीच में ऑफ बीट आ रही थी मूवी, फुल बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। एट द सेम टाइम आई गेस सेंसर बोर्ड ने भी इस मूवी में कट्स कुछ ज़्यादा ही दे के रखे हैं, म्यूटेशन हुआ है और मेरे ख्याल से बैकग्राउंड को भी इतना अच्छा नहीं। सो आशीष कितना रेट करेगा इस मूवी? अकॉर्डिंग टू मी 1.5 स्टार्स। सो फिल्मिक फैनेटिक्स रेट्स दिस मूवी 1.5 आउट ऑफ 5। So guys, you can watch this movie. It's a one-time watch movie. And if you want a better theater experience, you can go and watch near Mukta Cinema. It is in Panvel, Goregaon and King's Cooking. So guys, just be ready for the next week's battle. It's the King of Bollywood versus the Greek God of Bollywood. Rais versus Kamila. So if you liked our honest review on Coffee with Dave, give us a thumbs up, comment below and share our video. And please hit that red button and subscribe to Filmic Fanatics. Till then, signing off.